एक बुजुर्ग थे, ये नहर किनारे वजू कर रहे थे। तो कई दिनों के फाके थे, क्या देखा कि पानी की सतह पर बहता हुआ एक खुशनुमा सेब आया। तो इश्तिहा गालिब हुई, उसको पकड़ा और खा लिया। जब खा चुके तो फिर ख्याल आया, ये तो मेरा था ही नहीं, ये तो माले लुकता था, तो मैंने इसको खा लिया। अब इसका मालिक कैसे मिले? जिस समत से पानी आ रहा था उस समत सफर शुरू कर दिया। कई दिनों की मुसाफत के बाद देखा कि एक बाग है जिसकी शाखें उस पानी की तरफ लटक रही हैं। समझ गए कि यहीं से गिरा होगा और मैंने खा लिया। खैर, बाग में पहुंचे, मालिक से मिले, कहा कि यूं मैंने एक सेब खा लिया है और मेरा गालिब गुमान यह है कि इस बाग का वो सेब था, तो मैं माफ़ी मांगने आया हूँ, या फिर बताएं कि उसका हर्जाना क्या होगा। जब मालिक बाग ने ये बात सुनी, वो भी साहब नज़र थे, समझ गए ये तो कोई दुर्रे यगाना है, ये तो कोई गौहरे यकता है, तो तैवर बदल लिए। कहा ऐसे तो नहीं माफ़ी मिलेगी। कहा हजरत कैसे मिलेगी? कहा 12 साल तक मेरे बाग की गोटी करना पड़ेगी। अल्लाह अकबर। और एक शर्त इसके अलावा होगी। कहा ठीक है, मेरी गलती तो माफ़ हो जाएगी ना। 12 साल तक बाग की गोटी करते रहे। एक दिन फरमाने लगे वो साहिब बाग जो थे कि सेब तोड़ के लाओ, मेहमान आए हैं। तो वो सेब तोड़ के लाए तो वो कच्चे ही थे। तो कहा तुम 12 साल हो गए हो सेबों के बाग में रहते हुए, तुम्हें पता नहीं कि कच्चे सेब और पक्के सेब कैसे होते हैं? कहा हजरत मुझसे कसम ले लीजिए, 12 साल में एक दफा भी नजर उठा के सेबों की जानब नहीं देखा, एक सेब खाया था, मैं तो उसकी सजा भुगत रहा हूं, मैं तो गोटी करता हूं, ऊपर कभी नजर भी मैंने नहीं उठाई। सीने से लगा लिया। कहा एक शर्त तुम्हारी पूरी हो गई, अब दूसरी शर्त है कि मेरी एक बेटी है जो आंखों से नाबीना है, कानों से बहरी है, बोल सकती नहीं, और वो अपाहज भी है, चल भी नहीं सकती, उससे तुम्हारा निकाह करना चाहूँ, अगर तुम्हें कबूल है तो माफ़ी हो जाएगी। कहा ठीक है जी, कबूल है, मेरा गुनाह माफ़ हो जाए, मैं ज़िंदगी काट लूँगा, कोई बात नहीं। खैर निकाह हो गया। कहा कि ये कमरा है, यहाँ आपकी जौजा आपकी मुंतज़र है। जब वहाँ गए तो एक खूबरू दोशीज़ा मुंतज़र थी, तो फौरन पलटे के मैं गलती से किसी और कमरे में आ गया। पलटते हुए दरवाजे की चौकाट से सर फट गया, खून बहने लगा। जब बाहर आए तो सेहन में पहुंचे तो वो बुजुर्ग वहां थे। कहा क्या हुआ? कहा हजरत एक गलती की सजा इतनी काटी, अब कहीं दूसरी गलती ना हो जाए, वो तो कोई और है खातून। कहा वही तुम्हारी सोचा है, तो मैं बताऊं कि वो बहरी क्यों है? आज तक उसने गैर महरम की आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं बताऊं कि वो बोल क्यों नहीं सकती? आज तक उसने गैर महरम से कलाम नहीं किया। अंधी इस तरह है, आज तक उसने गैर महरम को नहीं देखा। और अपाहज इस तरह है, चल के कभी घर की दहलीज से गई नहीं है। तो इस खातून का जब निकाह हुआ और फिर इनसे अल्लाह ने इनको एक बच्चा दिया जिसका नाम है अश्शेख अब्दुल कादर जीलानी। जब माँ बाप इस तरह के हों तो बेटे इस तरह के ही होते हैं। बाप का लुकमा पाक और माँ अपनी आबरू की कैसी मुहाफिजा, फिर दुर्रे यगाना और गोहरे यकता जो पैदा होता है वो दीन की इहया करने वाला है, दीन की मुर्दा कदरों को नई जिंदगी देने वाला है। हजरत मुल्ला अली कारी लिखते हैं कि हुजूर गौसे आजम जब मजलसे वाज करने बैठते तो 70-70 हज़ार का इज्तिमा आपके मजमे में होता, और अमूमी तौर पे अल्लाह की रहमतों के हवाले से बात करते, और जिस दिन आप अल्लाह के कहर गज़ब और जलाल की बात करते कई कई जनाजे उठते। ये आपकी गुफ्तगू के अंदर असर का रंग और शीरीनी थी। अल्लाह अकबर। तो बाप देखिए कि रिस्क के मामले में कितना मोहतात है, और माँ देखिए अपने इस्मत की कितनी हिफाजत करने वाली है। माएँ बच्चों की तरबियत करती हैं, माओं के ज़रिए से पाकीज़ा सिफ्त बच्चे जन्म लेते हैं।
तो लिहाजा माओं को अच्छी तरबियत का हामिल होना चाहिए ताकि वो आगे अच्छी तरबियत खुद कर सकें।